नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ग्रहण से पहले 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य। इस पर्व पर पूजा और दान का विशेष है महत्व। धन और समृद्धि देने वाली रहेगी मिथुन संक्रांति, लेकिन रोगों का संक्रमण बढ़ने की भी आशंका है। हिंदू कैलेंडर में सौर वर्ष के अनुसार सूर्य का राशि परिवर्तन संक्रांति कहलाता है। पुराणों में इस दिन को पर्व कहा गया है। सूर्य जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं उसे उसी राशि की संक्रांति कहा जाता है। सूर्य एक साल में 12 राशियां बदलते हैं, इसीलिए साल भर में ये पर्व 12 बार मनाया जाता है, जिसमें सूर्य अलग अलग राशि और नक्षत्रों में रहते हैं। संक्रांति पर्व पर दान, दक्षिणा और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। उनकी रात 12 बजे के बाद सूर्य वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे, इसीलिए इसे मिथुन संक्रांति कहा जाता है। मिथुन संक्रांति से तीसरे सौर महीने की शुरुआत होती है। इस सौर महीने में ही वर्षा ऋतु भी आ जाती है। मिथुन संक्रांति आषाढ़ महीने में आती है। इस महीने के देवता सूर्य है, इसीलिए ये संक्रांति पर्व और भी खास हो जाता है। सूर्य पूजा और दान का है महत्व। स्कंद और सूर्य पुराण में आषाढ़ महीने में सूर्य भगवान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में मिथुन संक्रांति पर सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद निरोगी रहने के लिए विशेष पूजा भी की जाती है। सूर्य पूजा के समय लाल कपड़े पहनना चाहिए। पूजा सामग्री में लाल चंदन, लाल फूल और तांबे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। पूजा के बाद मिथुन संक्रांति पर दान का संकल्प लिया जाता है। इस दिन खास तौर पर कपड़े, अनाज और जल का दान किया जाता है। संक्रांति का फल। ज्योतिष ग्रंथों में तिथि, वार और नक्षत्रों के अनुसार हर महीने होने वाली सूर्य संक्रांति का शुभ अशुभ फल बताया गया है। इस बार मिथुन संक्रांति का वाहन हाथी है। इस कारण विद्वान और शिक्षित लोगों के लिए ये संक्रांति शुभ फल देने वाली रहेगी। इसके पर्याप्त प्रभाव से धन और समृद्धि भी बढ़ेगी। इसके अशुभ प्रभाव से लोग खांसी और बीमारियों के संक्रमण से परेशान हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। देश में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बारिश होगी। मिथुन संक्रांति के साथ ही सूर्य पर राहु और केतु का प्रभाव होने से देश में प्रशासनिक व्यवस्थाएं गड़बड़ा सकती है। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के अध्याय 90 के अनुसार संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसका नाम हृदयवार होता है, जो कि आदित्य यानी कि भगवान सूर्य के हृदय को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत करके मंदिर में सूर्य भगवान के सन्मुख 108 बार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, या फिर सायंकाल तक भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद घर आकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराए तथा मौन पूर्वक स्वयं भी खीर का भोजन करके सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए भूमि पर ही शयन करें। इस प्रकार जो इस दिन व्रत रख कर श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण की पूजा करता है, उसके समस्त अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं और वह भगवान सूर्य के समान ही तेज, कांति और यश को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।